नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो चलिए फ्रेंड्स आज हम देखेंगे फार्मेसी के टॉप टेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं और जहाँ तक हो सकेगा हर एक क्वेश्चन को अपन फुल डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स तो ये वीडियो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन वन है फ्रेंड्स ए मेडिसिन में बी ए कॉल्ड होम्योपैथी इफ इट इज ये क्वेश्चन बिहार में होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछा गया था तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं अपन ए मेडिसिन मे बी ए कॉल्ड होम्योपैथी इफ इट इज ऑप्शन क्या क्या दिया गया है इंक्लूडेड इन होम्योपैथी मटेरियम मेडिका यूज इन डोज प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी फॉर्मोकोपिया एंड द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया ठीक है तो राइट right आंसर क्या है इसमें राइट right आंसर है ऑप्शन सी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी फार्माकोपिया ठीक है बाकी सभी चीज़ें भी इंक्लूडेड रहेंगी इंक्लूडेड इन होम्योपैथी मटेरिया मेडिका यूज इंपोर्टेंटाइज डोज एंड द बेस्ड ऑन द प्रिस्िपल ऑफ सिमिलिया लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी मेडिसिन प्रिपेयर होनी चाहिए होम्योपैथी फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ठीक है तो राइट right आंसर है ऑप्शन सी तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिनल प्रोडक्ट डेफिनेशन Any medicinal product prepared from product, substance, or composition, substance called the homeopathy stock in the accordance with the homeopathy manufacturing procedure described by the European pharmacopoeia or in the absence, therefore, by the pharmacopoeias currently used officially in the member state. ए होम्योपैथी मेडिसिनल प्रोडक्ट में कंटेन ए नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ए मेडिसिन में बी ए कॉल होम्योपैथी इफ़ द प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी फार्माकोपिया, एज इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर होम्योपैथी मेडिसिन ठीक है तो इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा होम्योपैथी मेडिसिनल प्रोडक्ट में बी कंटेन नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स मेडिसिन में बी ए कॉल होम्योपैथी इफ द प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी फार्मोकोपिया के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिपेयर की गई हो तो उसे अपन होम्योपैथी मेडिसिन कहेंगे चलिए आगे अपन वन बाई वन सभी के बारे में जानते हैं इंक्लूडेड इन होम्योपैथी मटेरिया मेडिका यूज इन इंपोर्टेंटाइज डोसेज एंड द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं तो इसमें सबसे पहला है इंक्लूडेड इन होम्योपैथी मटेरिया मेडिका होम्योपैथी ड्रग्स आर इंक्लूडेड आफ्टर द प्रूविंग एंड क्लिनिकल वेरिफिकेशन ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन ठीक है होम्योपैथी जो ड्रग्स है वो प्रूविंग एंड क्लिनिकल वेरिफिकेशन के बाद ही होम्योपैथी मटेरिया मेडिका में इंक्लूडेड होती हैं यूज इन पोटेंटाइज डोसेज होम्योपैथी ड्रग्स आर यूज इन पोटेंटाइज डोजेज एंड द प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी फॉर्मोकोपी ये आपको पता ही है फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट कंडीशन अपलाइड फॉर द होम्योपैथी ड्रग ठीक है होम्योपैथी फार्मोकोपिया के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन को प्रूव करके प्रिपेयर किया जाता है एंड बेस्ड ऑन द प्रिसिपल ऑफ सिमिलिया होम्योपैथी मेडिसिन आर अप्लाइड ऑन द लॉ ऑफ सिमिलिया तो बाकी सभी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसी के अकॉर्डिंग ही होम्योपैथी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है तो उस कंडीशन में अपन उसको होम्योपैथी मेडिसिन कहेंगे नेक्स्ट okay. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू वन गेन पाउडर इज इक्वल टू ये भी बिहार होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर टू में क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे तो क्या क्या ऑप्शन दिया गया है सिक्सटी मिलीग्राम एटी मिलीग्राम नाइन्टी मिलीग्राम एंड हंड्रेड मिलीग्राम सो द राइट आंसर मिलीग्राम। इस क्वेश्चन के लिए एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है अ ग्रेन इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मासन एट नाइन मिलीग्राम्स जिसे मिलीग्राम्स कहते हैं इट इज ए नॉर्मली बेस्ड अपॉन द मास द ब्रज एज इंटू द डेन्स द एवरेज मास वीट एंड बार्ली ग्रेन्स वे आर पार्ट ऑफ द लीगल डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ मास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री मदर टिंचर इज मदर टींचर क्या है एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन एल्कोहलिक एक्स्ट्रैक्ट डाइल्यूशन ऑफ द ड्रग एंड द एक्ो अल्कोहलिक एक्स्ट्रैक्ट सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एक्ल्कोहलिक एक्स्ट्रैक्ट मदर टिंचर इज एक्वो एक्कोहलिक एक्स्ट्रैक्ट तो चलिए इसके बारे में जानते हैं अपन सबसे पहले जानते हैं पर मदर टिंचर के बारे में मदर टिंचर क्या है इट इज़ ए ड्रग फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर फ्रॉम ड्रग सब्सटेंस ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम्स यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग एल्कोहल एज ए व्हीकल और सॉलविन बाय द प्रोसेस ऑफ इमरसन मैसीशन एंड द परकोलेशन ठीक है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आप लोग फार्मेसी में इसको सब पढ़े होंगे मदर टिंचर किसे कहते हैं इट इज़ ए ड्रग फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर फ्रॉम अ ड्रग सब्सटेंस ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम्स यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग एल्कोहल एज ए व्हीकल बाय द प्रोसेस ऑफ इमर्सन मैसीशन एंड द परकुलेशन एकॉर्डिंग टू डब्ल्यू ए डूए के अकॉर्डिंग क्या है द स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विड प्रिप्रेशन ऑफ ए ड्रग यूज इन होम्योपैथी एंड मेड बाय मैसी और द डिज़ोल्विंग द ड्रग और द पोर्शन और इट इन एल्कोहल और वॉटर ठीक है या तो अल्कोहल या वाटर में मेडिसिन को मैसीशन या डिजोल्व करके प्रिपेयर किया जाता है इट इज ए डिनोटेड बाय क्यू मदर टींचर को क्यू से डिनोट किया जाता है मदर टींचर इज ए यूज टू प्रिपेयर द पोटेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव ड्रग्स ठीक है ये सब तो आप लोग को क्लियर होगा अच्छे से द फर्स्ट स्टेज इन प्रिपरेशन ऑफ ए होम्योपैथी रेमेडी मेड बाय सोकिंग ए प्लांट एनिमल एंड मिनरल प्रोडक्ट इन ए सॉल्यूशन ऑफ़ एल्कोहल और कंसनट्रेट ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन होम्योपैथी विच इज प्रिपेयर बाय प्लेसिंग इन एल्कोहल एंड वाटर फॉर वन मंथ फॉलोड बाई ए प्रेसिंग एंड फिल्ट्रेटिंग ठीक है कोई मेडिसिनल सब्सटेंस को एल्कोहल में प्रिजर्व मैसेरेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रिजर्व करके उसको रखा जाता है जिससे कि मदर टींचर प्रिपेयर किया जाता है ठीक है फर्स्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथी रेमेडी मेड बाय शोकिंग एंड प्लांट एनिमल एंड मैन मिनरल प्रोडक्ट इन सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल वो एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं प्लांट भी हो सकते हैं मिनरल भी हो सकते हैं ठीक है उसको अल्कोहल में शोकिंग करके रखा जाता है और ए कंसेंट्रेट ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन होम्योपैथी विच इज ए प्रिपेयर बाय प्लेसिंग इन एल्कोहल एंड डिस्टिल वाटर फॉर वन मंथ के लिए रखा जाता है फॉलोड बाय प्लेसिंग एंड फिल्टर किया जाता है उसको तो इस तरह से मदर टिंचर प्रिपेयर किया जाता है टिंचर मीन ए मेडिसिन कंसिस्टिंग ऑफ एन एक्सट्रैक्ट इन ए अल्कोहल सोल्यूशन ए मदर टिंचर इज ए एक्सट्रैक्ट ऑफ द ओरिजिनल ड्रग सब्सटेंस द एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट इज ए मेड विथ एल्कोहल और वाटर इन सर्टन प्रपोशन ठीक है या तो वाटर में या फिर एल्कोहल में दोनों में मिक्स करके इसको क्रूड ड्रग सब्सटेंस या ओरिजिनल ड्रग सब्सटेंस को आ, सोक करके इसमें रखा जाता है ऑल द मेडिसिन दैट आर सोल्यूबल इन एल्कोहल और वाटर आर फर्स्ट प्रिपेयर इन मदर टिंचर फॉर्म एंड फॉर्म ए मदर टिंचर फर्दर पोटेंसीज आर प्रिपेयर इसके आगे की पोटेंसी प्रिपेयर की जाती है चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें वन बाई सभी को सबसे पहला क्या था इसमें एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन किसे कहेंगे टिंचर और एल्कोहलिक सॉल्यूशन क्या है Most medicine used in homeopathy practice can be prepared in the form of tincture as well as in the form of attenuation. Tincture also referred to as a mother tincture are made from a variety of geological or botanical substances, which are fully or partially soluble in alcohol of various strains. Such substances comprise of all plants and part of the plants such as a bark, root, wood, फ्रूट्स बर्ड फ्लावर सीड्स रेजिन गम्स एंड ब्लासम्स ठीक है आप लोग तो क्लियर हो गया होगा ये मदर टिंचर किसी से भी प्रिपेयर किया जा सकता है ठीक है टींचर आर ऑल्सो रिफर टू एज ए मदर टींचर आर मेड फ्रॉम वेराइटी ऑफ जोलॉजिकल एंड द बॉटनिकल सब्सटेंस को लेकर के प्रिपेयर किया जा सकता है ठीक है वुली और पार्सली सोल्यूबल इन एल्कोहल और वेरिया सस्टेंस सच सब्सटेंस कंप्राइज ऑफ ऑल द प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज बार्क रूड वुड फ्रूट्स बर्ड्स फ्लावर्स सीड्स रेजिन गम्स एंड ब्लासम्स ठीक है तो इससे अल्कोहलिक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन किस क्लास के अंतर्गत आता है क्लास सिक्स के अंतर्गत आता है ठीक है तो आप लोग क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या है इट इज़ इंक्लूड दोज केमिकल ड्रग सब्सटेंस विच आर सोल्यूबल इन एल्कोहल ठीक है वो मेडिसिन जो कि अल्कोहल में सोल्यूबल रहती है वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन क्लास सिक्स के अंतर्गत आती है हेनीवन क्लासीफाइड क्लास सिक्स ए एंड क्लास सिक्स बी डिपेंडिंग अपॉन देयर सोलिबिलिटी इन द स्ट्रेंथ ऑफ टेन परसेंट ठीक है वो मेडिसिनल सब्सटेंस जो कि अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं तो वो इस ग्रुप के अंतर्गत आती हैं क्लास सिक्स ए एंड क्लास सिक्स बी इसकी कौन कौन सी मेडिसिन है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में चलिए आगे देखते हैं तो सबसे पहले अपन देख लीजिए अल्कोहलिक सॉल्यूशन के बारे में अब है अल्कोहलिक एक्स्ट्रैक्ट किसे कहेंगे डिसीज प्रोडक्ट ऑफ अदर एनिमल्स ठीक है एंथ्रासिनम द एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ द एंथेक्स पॉइजन प्रिपेयर फ्रॉम द स्पलिन ऑफ सीप और कैटल इल विद द डिस ठीक है जिसे कि अपन नोट सोर्स कहते हैं एंड द ट्यूबरक्रोसिस बैक्टीरिया ऑफ चिकन एवेरिए फ्रॉम द ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया ऑफ चिकन नेक्स्ट क्या दिया इसमें फ्रेंड्स डायलूशन ऑफ ए ड्रग मदर क्या है फॉर ए मदर टीचर एंड लिक्विड डायलूशन मैथड फोर ए इज फॉर द मदर टिंचर मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू द मैसीशन और परगोलेशन मैथड डिस्क्राइब इन द टिंचर्स मोनोग्राफ इन द जर्मन फार्माकोपिया यूजिंग ए वन पार्ट ऑफ द ड्रग टू द टेन पार्ट्स ऑफ द इथेनॉल इन सूटेबल कंसनट्रेशन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द मोनोग्राफ ठीक है इसके अंतर्गत क्या आएगा मदर टीचर एंड लिक्विड डालूशन है इसमें मैसीेशन के प्रोसेस के थ्रू और परकुलेशन के प्रोसेस के थ्रू मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है इसमें वन पार्ट ऑफ ड्रग रहता है एंड टेन पार्ट ऑफ इथेनॉल इन सुटेबल कंसेंट्रेशन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द मोनोग्राफ इफ द एडजस्टमेंट टू गिवन वैल्यू इन नेसेसरी द रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ इथेनॉल इन द कंसनट्रेशन प्रिस्क्राइब और यूज फॉर द मैनुफैक्चर इज ए कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू फार्मूला द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ इथेनॉल इज ए कम्बाइंड विद द फिल्टेड द मिक्सचर इज़ लेव टू स्टैंड फॉर नॉट लेस देन फाइव डेज एट टेम्परेचर नॉट एक्सिडिंग ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर विच इज ए फिल्टर इट रिक्वायर्ड ठीक है इसमें प्रोटेंटाइजेशन देखते हैं डेसीमल स्केल में होता है द मदर टचर इज एक्वेलेंट टू द फर्स्ट डेसीमल डाल्यूशन ठीक है फर्स्ट पार्ट अपन लेते हैं प्रीवियस प्रोटेंसी से एंड उसके आगे फिर इसके फदर प्रोटेंसी बनती जाती है ठीक है मदर टींचर इज ऐक्वेलेंट टू द फर्स्ट डेसीमल डायलुशन एंड सेकेंड डेसीमल डायलूशन क्या है इट इज़ ए मेड विथ द वन पार्ट ऑफ़ द मदर टीचर एंड द नाइन पार्ट ऑफ़ द इथेनॉल ऑफ़ द सेम कंसनट्रेशन ठीक है पहले में क्या था मदर टींचर लिए और फर्स्ट पार्ट ऑफ़ द डेसीमल डायल्यूशन लेकर के वन एक्स पोटेंसी प्रिपेयर की गई फिर सेकेंड डेसीमल डायल्यूशन के लिए फर्स्ट प्रिवियस प्रोटेंसी से वन पार्ट लिया गया ठीक है वन पार्ट ऑफ द मदर टीचर एंड नाइन पार्ट ऑफ द इथेनॉ लेकर के फिर इसको सेकेंड पोटेंसी प्रिपेयर की गई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर सीना बेरी सीजे जिंक कंपाउंड लेड कंपाउंड कॉपर कंपाउंड एंड द मर्क्यूरिक कंपाउंड सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मर्क्यूरिक कंपाउंड तो चलिए साथ ही साथ अपन सभी जानते हैं जिंक कंपाउंड में कौन कौन सी मेडिसिन आती है लेड कंपाउंड में एंड द कॉपर कंपाउंड में जिंक कंपाउंड में कौन कौन सी मेडिसिन है जिंकम एसिटिकम जिंकम ब्रोमिनेटम जिंकम ऑक्सीडेटम जिंक सर््प जिंक साइनेटम जिंक आर्स जिंक कार्व जिंक फॉस जिंक म्यूरेटिकम जिंक फॉस जिंक पिक्रिकम ठीक है तो ये सभी मेडिसिन इसके अंतर्गत आती हैं नेक्स्ट देखते हैं अपन लेड कंपाउंड में कौन कौन सी मेडिसिन है प्लम्बम एसिटेट प्लम्बम आयोडम प्लम्बम क्रोमिकम प्लम्बम फॉस ठीक है ये बोरिक के बुक से लिया गया है नेक्स्ट देखते हैं अपन कॉपर कंपाउंड क्यूप्रम सल्प क्यूप्रम साइनेटम ठीक है एंड द मर्क्यूरियल कंपाउंड में कौन कौन सी मेडिसिन है मर्क्यूरल एसिटेट मर्क और मर्क्यूरियस ब्रोमेटम मर्क्यूरियस नाइट्रोसम मर्क्यूरियस फॉस्फोरिकम मर्क्यूरियस पिक्री पिक्रीपिटेटस रूबर एंड द मर्क्यूरियस टेनिकस मर्क्यूरियस कम ठीक है तो ये सभी मेडिसिन मर्क्यूरियस कंपाउंड के अंतर्गत आती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव सक्शन इज द प्रोसेस यूज फॉर द पोटेंटाइजेशन सक्शन किस चीज़ों का किया जा सकता है सॉलिड ड्रग इनसॉल्युबल ड्रग सॉल्युबल ड्रग एंड नॉन ऑफ दी अबो तो सक्शन किन का किया जा सकता है जो कि सॉल्युबल हो ठीक है सॉल्युबल प्रोडक्ट का ही तो सक्शन किया जा सकता है जो कि एल्कोहल में डिजॉल्व हो सके ईजिली उन्हीं मेडिसिनल सब्सटेंस को अपन सक्शन के प्रोसेस के थ्रू मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं जो इनसॉल्युबल रहते हैं या सॉलिड रहते हैं तो इनको अपन नहीं कर सकते हैं सॉलिड को फिर अपन कोट्राइजेशन की प्रोसेस के थ्रू मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है ठीक है इन सोलबल को वो, वो भी एल्कोहल में या एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होते हैं तो उनको भी अपन सक्शन के प्रोसेस के थ्रू मेडिसिन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी सॉल्यूबल ड्रग सब्सटेंस है उन्हीं को अपन सक्शन के थ्रू मेडिसिन या पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस कर सकते हैं सक्शन क्या है सक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन बाई बीच प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन टेक प्लेस बाय द यूज़ ऑफ लिक्विड वहीकल्स लाइक एल्कोहल और वाटर बाय सेकिंग इन डेफिनेट मैथड अकॉर्डिंग टू फॉर्मोकोपिया ठीक है मेडिसिनल सब्सिटेंस को लेकर के एल्कोहल ले सकते हैं या वाटर के द्वारा चेकिंग प्रोसेस के थ्रू अपन इसमें मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे होम्योपैथी फार्मोपोपिया के अकॉर्डिंग उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इसमें मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है चलिए बाकी का वन बाई वन देखते हैं सॉलिड ड्रग्स का द मेथड एडॉप्टेड फॉर द प्रिपरेशन डिपेंड ऑन द सोर्स सॉलिबिलिटी एंड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस टू प्रीडोमेंट प्रिपरेट्री मैथड आर सजेस्टेड एंड दिस आर अंडर द क्लास फोर्थ क्लास फोर्थ के अंदर क्या आता है ड्राइड वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस वेजिटेबल सोर्सेज सानिका मोन्टाना हाइड्रोकोटाइल जलापा फ्रॉम एनिमल सोर्सेज कौन कौन सी हैं एपिस मेलिपिका कैंथरीस स्पोंजिया आर इंक्लूडेड ठीक है ड्राई वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सडेंस वेजिटेबल सोर्सेज कौन कौन सी हैं आनिका हाइड्राकोडाइट जलापा एंड एनिमल सोर्सेज एपिसमेलिफिका कैंथरीस स्पोंजिया ठीक है Annika, jalapa, malefica, spongia, इसके अलावा और भी मेडिसिन हैं तो इसके अंतर्गत आती हैं क्लास फोर के अंतर्गत मदर टींचर इज इिपेयर इन एल्कोहल एंड पोटेंसीज आर रेज बाई वे ऑफ सक्शन ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें क्लास सेवेंथ में ड्राई इन मेडिसिनल सब्सटेंस ठीक है क्लास फोर्थ में क्या था ड्राई वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस थे जो कि सॉल्युबल हो रहे थे लेकिन ये क्या है ड्राई इन्सॉल्यूबल मेडिसिनल सब्सटेंस आर यूज हियर एंड द मेथड अडॉप्टेड इज बाय वे ऑफ टाइचुरेशन के थ्रू इसमें मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है ठीक है क्योंकि ये इंसॉल्यूबल है ना तो एल्कोहल में सॉल्युबल होंगे ना वाटर में ठीक है सॉलिड ड्रग्स नीड टाइचुरेशन टिल थर्ड सेंटिसिमल तक इसको टाइचुरेट करके बनाया जाता है या सिक्स डेसीमल स्केल में ठीक है थर्ड सेंटिसिमल तक थर्ड पोटेंसी एंड सिक्स पोटेंसी डेसिमल स्केल तक इसको प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर विच दे अटेंड फिजिकल सॉलिबिलिटी उसके बाद ये इसमें सॉलिबिलिटी आ जाती है एल्कोहल या वाटर में डिजॉल्व होने के लिए इनसॉल्युबल ड्रग्स फॉर द इनसॉल्युबल ड्रग्स कौन कौन से हैं वेजिटेबल सोर्सेज में चाइना नक्सोमिका कॉफिया क्रूडा एनिमल सोर्सेज में है सीपिया टेरेंटुला ठीक है तो ये मेडिसिन है जो कि इनसॉल्युबल होती है और इनको थर्ड एंड सिक्स पोटेंसी में तक इसको टाइचूरेट करके उसके बाद फिर इसको सक्शन प्रोसेस के थ्रू मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है कौन से क्लास के अंतर्गत आती है क्लास सेवन के अंतर्गत आती है बाय द वे ऑफ टाइचूरेशन ड्रग और सब्सटेंस वीच आर इन्सॉल्यूबल इन लिक्विड व्हीकल्स प्योरीफाइड एल्कोहल एंड वाटर आर प्रोटेंटाइज बाय द प्रोसेस मेथड ऑफ ट्राइचुरेशन तो चलिए अब देखते हैं सॉल्युबल ड्रग सब्सटेंस कौन कौन सी होती हैं दिस आर प्रोटेंटाइज बाय वे ऑफ सक्शन ठीक है जो कि ईजिली सॉल्यूबल होती हैं एल्कोहल एंड वाटर में तो उसे अपन सक्शन के प्रोसेस के थ्रू मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है इसका आंसर तो आप सभी को अच्छे से पता होगा फ्रॉम विच लेयर ऑफ द ऑइस्टर सेल कैल्केरिया का भी इज प्रिपेयर कौन सी लेयर से कैल्केरिया का मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है इनर लेयर मिडिल लेयर आउटर लेयर एंड द ऑल ऑफ दो सो द राइट आंसर इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी मिडिल लेयर से कैलकेरिया का मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है ऑस्टर सेल से तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं अपन इनर लेयर के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है मिडिल लेयर के बारे में देखते हैं ब्रेक इन पीसेस से क्लीन सम बॉट थिक ऑस्टर सेल टेक वन ग्रेन ऑफ द सॉफ्ट स्नो वाइट कैल्केनिया सब्सटेंस फाउंड बिटवीन द आउटर एंड द इनर हार्डर सेल ठीक है क्या है ये ब्रेक इन ए पीसेस a clean somewhat thick oyster shell take one grain of the softer snow-white calcaneous substance found between the outer and the inner harder shell this is prepared in all the degree of potencies up to x in the manner directed as, the, directed as to the preparation of dry medicinal substance for the homeopathy use given at the conclusion of part 1 this is a preserve from the sunlight and great. वॉम टू बी यूज फॉर इट इज वेरियस परपज तो इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं ऑस्टर का नाटमी देख सकते हैं इसी के मिडिल लेयर से कैलकेरिया का मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है ठीक है अच्छे से देख लीजिए आप लोग डायग्राम ऑस्टर का ऑस्टर सेल से फिर मिडिल लेयर से कैलकेरिया का मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेवन इम्पॉन्ड्रेबिला ड्रग्स आर इंट्रोड्यूज बाय हैनीमन इन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इन विच ए फॉरिज्म ठीक है इम्पॉन्ड्रेबिला ड्रग आर इंट्रोड्यूज बाय हैनीमन इन ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन इन विच ए फॉरिज्म अफॉरिज्म नंबर टू हंड्रेड सेवेंटी फोर टू हंड्रेड सिक्सटी सेवन टू हंड्रेड एटी टू एंड द टू हंड्रेड एट्टी सिक्स ठीक है तो इसमें क्या आंसर नहीं दिया गया है यूज़ योर डायरेक्शन डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं ठीक है आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन से इसका राइट आंसर बताइए तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है एफॉरिज्म नंबर टू एट्टी फोट नोट में ये दिया गया है ठीक है देखते हैं एनिमल रिफर्स इन ऑर्गन एफॉरिज्म टू एट्टी फोट नोट दैट इवन इम्पॉन्ड्रेबिला एजेंसीज कैन प्रोड्यूस मोस्ट वायलेंट इफेक्ट अपॉन द मैन ठीक है तो इनमें से कोई भी एफॉरिज्म इसके लिए राइट right आंसर नहीं है जैसे कि टू सेवेंटी फोर केफॉरिज्म के लिए है एडवांटेज ऑफ सिंगल सिंपल मेडिसिन ठीक है टू हंड्रेड सेवेंटी फोर क्या है एडवांटेज ऑफ सिंगल सिंपल मेडिसिन के लिए है एडवांटेज ऑफ सिंगल सिंपल मेडिसिन देने के लिए है ठीक है उसी तरह देखते हैं आगे का फॉरिज़्म नंबर टू एटी सिक्स टू सिक्सटी सेवन क्या है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में है ये ठीक है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन ये है उसी तरह टू एटी टू क्या है फॉरिज्म में ये होम्योपैथी एग्रावेशन के बारे में है इसमें होम्योपैथी एग्रावेशन एंड एफोरिज्म टू एटी सिक्स में क्या है यह है मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी एंड द गैल्वेनिज्म के बारे में है ठीक है तो ये भी है किसके बारे में है मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिज्म मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिज्म तो इसमें से कोई भी एफोरिज्म में इम्पॉन्टिला के बारे में नहीं है एफोरिज्म नंबर फुट नोट टू एटी में दिया गया है तो चलिए वन बाई वन सभी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो चलिए वन बाई वन सभी के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं अपनी थोड़ी जानकारी के लिए तो एफ और नंबर टू सेवेंटी फोर में क्या था एडवांटेज ऑफ सिंगल सिंपल मेडिसिन ठीक है सिंगल सिंपल मेडिसिन देने की क्या एडवांटेज हैं एज द ट्रू फिजिशियन फाइंड्स इन सिंपल मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट सिंगल सिंगली एंड अनकम्बाइंड ऑल दैट कैन पॉसिबल डिज़ायर आर्टिफिशियल डिशीज फोर्स वीच आर एबल बाय होम्योपैथी पावर्ड कम्प्लीटली बाई टू ओवर पावर एस्टिंगज एंड परमानेंटली क्योर द नेचुरल डिसीज ठीक है जो आर्टिफिशियल डिसीज हमारे बॉडी में बन जाती है वो नेचुरल डिसीज को पूरे हमारे बॉडी से बाहर निकाल देती है एक सिंगल सिंपल मेडिसिन के देने से ही विल माइंडफुल ऑफ वाइस मैग्जिम दैट इट इज़ ए रॉन्ग टू अटेम्प्टू एम्प्लॉय ये कॉम्प्लेक्स मीन्स वेन ए सिंपल मीन्स अ फिक्स Never think of giving as a remedy any but a single simple medicinal substance. For this reason also, because even though the simple medicine were thoughtly proved with the respect to their pure peculiar effect on the unimpaired healthy state of man, and it is it possible to force how two and more medicinal substances might even compound hinder, hinder, and alter each other action on the human body. ठीक है इनका मेन मतलब वही है कि सिंगल सिंपल मेडिसिन देने से बहुत सारे एडवांटेज हैं ना कि कॉम्प्लेक्स मेडिसिन बना करके देने से ठीक है हमारे बॉडी में मेडिसिन देने से आर्टिफिशियल डिसीज़ प्रोड्यूस हो जाती है जो कि हमारे बॉडी से नेचुरल डिसीज़ को बॉडी से बाहर निकाल देती है ठीक है ये सब तो आप लोग पता ही होगा पहले होम्योपैथी एग्रावेशन होता है प्राइमरी एक्शन के थ्रू फिर हमारे क्रिए सेकेंडरी क्रिएटिव एक्शन के थ्रू हमारे बॉडी से वाइटल फोर्स हमारे बॉडी से डिसीज़ को बाहर निकाल देती है और सेकेंडरी काउंटर एक्शन में आर्टिफिशियल डिसीज़ बनती है वाइटल फोर्स के थ्रू जो कि हमारे बॉडी से नेचुरल डिसीज़ को बाहर निकाल देती है ठीक है नेक्स्ट एफॉरिज में था फ्रेंड्स टू सिक्सटी सेवन ये किसमें था प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन ठीक है तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है ठीक है तो आप लोग एफॉरिज बस नाम याद रख लीजिए टू सेवेंटी फ़ोर एडवांटेज ऑफ सिंगल सिंपल मेडिसिन टू सिक्सटी सेवन प्रिप्रेशन ऑफ मेडिसिन नेक्स्ट एफ और इसमें क्या था फ्रेंड्स टू एटी टू इसमें क्या था होम्योपैथी एग्रावेशन तो इसमें होम्योपैथी एग्रावेशन के बारे में aggravation बताया है स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली द वेरी स्लाइटेस्ट होम्योपैथी एग्रावेशन विल बिकॉज इट हैज़ द पावर ऑफ एग्जिस्टिंग सिम्टम बियरिंग द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिसम्बलेंस टू द ओरिजिनल डिसीज ठीक है ओरिजिनल डिसीज़ के रिसम्बलन ही आर्टिफिशियल डिसीज़ हमारे बॉडी में बन जाती है और ये हमको थोड़ी सी भी वेरी स्लाइट अमाउंट में होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं तो उसमें साथ ही साथ हमको होम्योपैथी एग्रावेशन देखने को मिलता है बट इट इज़ इस्ट्रॉगर इवन इन द मैन्यूड डोसेज अटेक प्रिंसिपली एंड ऑलमोस्ट स्लोली द पार्ट इन द दर्गनिज्म दैट आर ऑलरेडी अफेक्टेड हरी इरिटेटेड एंड द रेंडेड एक्सेसिवली सबल टू सच ए सिमिलर स्टलेट्स एंड द विल लेटर अल्टर द वायटर फोर्स दैट टूल्ड इन दैन टू स्टेट ए वेरी सिमिलर आर्टिफिशियल डिसीज तो हमारा वाइटर फोर्स एक सिमिलर आर्टिफिशियल डिसीज़ प्रोड्यूस करती है होम्योपैथी मेडिसिन देने के बाद साथ ही साथ उसमें स्लाइट होम्योपैथी एग्रावेशन होता है सम वॉट ग्रेटर इन डिग्री देन द नेचुरल वंस ठीक है सम वॉट ग्रेटर इन द डिग्री नेचुरल वंस से थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती है एंड दिस आर्टिफिशियल डिजीज विल सब्सटीट्यूट इट सेल फॉर द नेचुरल डिजीज सो दैट द लिविंग ऑर्गन नो सफ़र फ्रॉम द आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिसीज़ एलॉन विच फॉर्म इट इज़ ए नेचुरल एंड ओइंग टू द minuteness of the dose will soon be extinguished by the vital force that is striving to the return to the normal state ठीक है सबसे पहले क्या होता है अपन homeopathy medicine देते हैं जिसमें कि slight homeopathy aggravation होता है साथ ही साथ उसमें natural disease के similar ही artificial natural disease हमारे body में produce हो जाती है फिर vital force क्या करता है उस artificial natural disease को हमारे body से बाहर निकाल देती है और जो कि stronger होती है इससे तो इस तरह से हमारे बॉडी से दोनों ही आर्टिफिशियल एंड द नेचुरल डिसीज़ दोनों हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है ठीक है एंड द बॉडी इज लेड परफेक्टली फ्री फ्रॉम डिसीज़ दैट इज़ टू से द क्वाइट वेल होम्योपैथी एग्रावेशन क्या है हम होम्योपैथी स्लाइट मेडिसिन लेते हैं जिससे कि हमारे बॉडी में स्लाइटली होम्योपैथी एग्रावेशन देखने को मिलता है और ये मेडिसिन क्या करती है हमारे बॉडी में सिमिलर आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस करती है जो कि ज़्यादा स्ट्रांगर होती है नेचुरल डिसीज़ से और इस नेचुरल डिसीज़ को हटा देती है और हमारे बॉडी में आर्टिफिशियल डिसीज़ बन जाती है तो हमारी वाइटल फोर्स क्या काम करती है हमारे बॉडी से इस आर्टिफिशियल डिसीज़ को बाहर निकालने में हेल्प करती है जिसे कि अपन स्लाइट होम्योपैथी एग्रावेशन कहते हैं ठीक है नेक्स्ट स्टेप और इसमें क्या था फ्रेंड्स टू एटी सिक्स ये इसमें था मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी एंड गैलवेनिज्म के बारे में बताया गया है इसमें टू एटी में ही इम्पॉन्टेबिला के बारे में बताया है इम्पॉन्टेबिला एजेंसीज कैन प्रोड्यूस द मोस्ट वायलेंट मेडिसिनल इफेक्ट अपॉन द मैन एंड लेट द वीक वंस अमंग दैम अलाउ द दीट ऑफ द स्टमक टू बी स्लाइटली टच बाय द थम पॉइंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विल्ड मैसमराइज फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन दैन सेंसेशन दे देन सफर विल मेक दैम रिपेंट ऑफ अटैम्पटिंग टू सेट ए लिमिट टू द बाउंडलेस एक्टिविटी ऑफ द नेचर द वीक माइंडेड क्रिएचर्स फूड नोट टू एटी में इम्पॉन्ड्रेबिला के बारे में बताया गया है इम्पॉन्ड्रेबिला एजेंसीज कैन प्रोड्यूस द मोस्ट वायलेंट मेडिसिनल इफेक्ट अपॉन द मैन एंड लेट द वीक वंस एमंग दैम अलाउ द पीट ऑफ द स्टमक टू बी स्लाइटली टच बाय द थम पॉइंट ऑफ स्ट्रॉन्ग विलइस फॉर फ्यू मिनिट्स एंड द डिसग्रीएबल दैन दे Suffer will make them repent of attempting to set limit to the boundless activity of the nature. The weak-minded creature. Animals refer in organ aphorism 280. Footnote that the imponderabila agencies can produce a most violent effect upon the human being. The word imponderabila is derived from the imponderabila meaning having a no weight, very light, something that cannot be measured quantitatively. वेरी लाइट होता है इसको मेजर नहीं किया जा सकता ना इसका वेट लिया जा सकता है ठीक है इट इज़ मेडिसिन दिस वर्ड इशू टू डिस्क्राइब द मेडिसिन दैट आर डाइ फ्रॉम द सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है नेचुरल मैगनीटिस लूना सोल इलेक्ट्रिकल्स ठीक है सन रेज ठीक है ये सब मेडिसिन इससे प्रिपेयर किया जाता है और आर्टिफिशियल किससे एक्सरे इलेक्ट्रिसिटी मैगनीटिस आर्टिफिशलीस ये आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं मैग्नेटिस लूना सोल सन रेज से प्रिपेयर किया जाता है मून रेज से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकट एंड द मैग्नेटिस ये नेचुरल सोर्सेज हैं एंड आर्टिफिशियल कौन कौन से हैं एक्सरे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटीज आर्टिफिशियलीस डॉक्टर एस सी एल एन डिस्क्राइब दियर मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड द सिम्टम इन हिज मटेरिया मेडिकल ऑफ नो सोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट मेडिसिन प्रिपेयर फ्रॉम स्पाइडर पॉइजन स्पाइडर पॉइजन से कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है कैंथरीज टेरेंटुला बीफो एंड द म्यूरिक्स सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टेरेंटुला ठीक है मेडिसिन प्रिपेयर फ्रॉम स्पाइडर पॉइजन तो चलिए देखते हैं स्पाइडर पॉइजन से और कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है सबसे पहला है इसमें एरिनिया डाइडीमा स्पाइडर ऑफ पेपल क्रॉस एरिनिया सिनिसिनिका ग्रे स्पाइडर से प्रिपेयर किया जाता है लाटी डॉक्टर्स मैकेटस अमेरिकन ब्लैक स्पाइडर से ब्लैक वीडो स्पाइडर से ठीक है एंड द लैक्ट्रोडस हैसेटी न्यू साउथ वेल्स ब्लैक स्पाइडर ठीक है ब्लैक वीडो स्पाइडर से कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है ये क्रॉस मैच के लिए भी दिया जाता है तो ये सबको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अपन लेटोडेक्टस कैटिपो न्यू जीलैंड एंड द स्पाइडर से प्रिपेयर किया जाता है माइगे लासीडोरा ब्लैक क्यूबेन स्पाइडर से टेरेंटोला हिस्पिनिका इस्पेनिश स्पाइडर से टेरेंटोला क्यूबेंसिस क्यूबेन स्पाइडर थेडियॉन वेस्ट इंडियन औरेंज स्पाइडर से एंड द टेला एरिनिरम स्पाइडर ऑफ वेब्स है ठीक है तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा कैंथरीज किससे प्रिपेयर किया जाता है स्पैनिश फ्लाई से ठीक है ये स्पैनिश फ्लाई से प्रिपेयर किया जाता है पहली मेडिसिन थी कैंथरीज जिसे कि स्पैनिश फ्लाई से तैयार किया जाता है फिर नेक्स्ट था टेरेंटोला टेरेंटोलासो नोन एज द टेरेंटोला हिस्पिनिका और द स्पैनिश स्पाइडर भी इसे कहते हैं इट इज़ गिवन अंडर द टेरेंटोला क्यूबेंसी इज नोन एज द क्यूबेन स्पाइडर हैरी स्पाइडर कॉमन नेम है ठीक है क्यूबेन स्पाइडर एंड हैरी स्पाइडर टेरेंटोला हिस्वेनिका इज इन नोन एज द स्पेनिश स्पाइडर नेक्स्ट देखते हैं बिफोराना बिफोराना और ए पॉइजन ऑफ ए टोट ठीक है ये मेडिसिन किससे प्रिपेयर की जाती है पॉइजन ऑफ टोट से प्रिपेयर की जाती है कैंथ इज स्पेनिश फ्लाई से प्रिपेयर की जाती है ठीक है न्यूरिक्स प्रिपेयर की जाती है पर्पल फिश से ठीक है तो ये सभी का आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा बिफोराना टोट से कैंथरिस स्पेनिश फ्लाई से थेडियॉन स्पाइडर से स्पेनिश स्पाइडर से एंड द म्यूरेक्स है पर्पल फिश से प्रिपेयर की जाती है टेरेंटोला के बारे में थोड़ा सा एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं टेरेंटोला हिस्पेनिका इज द लार्ज विनम साउथ यूरोपिया वॉल्फ स्पाइडर विच इज ए फाउंड इन द इटली एंड स्पेन ठीक है ये स्पाइडर कहाँ पाया जाता है इटली एंड स्पेन में द प्रूविंग ऑफ दिस ड्रग वॉज ए कैरीड आउट बाय द न्यूज इन एटीन हंड्रेड फोर्टी सिक्स ठीक है इसके परिवार का नाम भी कई और पूछा जा सकता है एंड एटीन हंड्रेड फोर्टी सिक्स में टेन डॉक्टर्स एंड एट लेमेन ने इसको प्रूव किया था द मेन एक्शन ऑफ दिस ड्रग इन नर्वस सिस्टम हार्ट स्पाइन रिस्पाइटरी जनरेटिव स्पेयर एंड द राइट साइडेड टेरेंटोला इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द स्पाइडर पॉइजन एंड वी कैन गेट ए बेटर कंसेप्ट ऑफ इट We study the habit. Spider were the probably the first kind of animal to come and live on dry land instead of in the water. Okay? Spider kya hai? It is the first kind of animal to come and live on the dry land instead of in the water. The name of this class is a and it is also including the scorpions. Okay? Next question is question number 9. The method of dynamization of the liquid drug is known as? ठीक है वो लिक्विड ड्रग जो कि सॉल्युबल होती है डायनामाइजेशन प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर की जाती है तो उसे क्या कहेंगे अपन उस प्रोसेस को कहेंगे अपन सक्शन ठीक है अभी इसके पहले देखा ये क्वेश्चन के बारे में हमने सक्शन किस मेडिसिन का किया जा सकता है जो कि सॉल्युबल हो सॉल्युबल हो एल्कोहल एंड वाटर में तो ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके कुछ अलग तरीके से पूछा है द मेथड ऑफ डायनामाइजेशन ऑफ द लिक्विड ड्रग इज ए नोन एज द सक्शन और भी क्या क्या है इसमें ऑप्शन ट्राइचोरेशन हाइड्रोलाइसिस एंड एक्स ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में सक्शन के बारे में अपन जान ही चुके हैं इससे पहले भी इट इज अ प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस विच आर सॉल्युबल इन लिक्विड व्हीकल्स वहीकल्स इन द एल्कोहल बाय द डाउनवर्ड फ्रिक्शन नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स टाइचुरेशन टाइचुरेशन क्या है इट इज एन आइडियल फिजिकल मैथोमेटिकल प्रोसेस पोटेंटाइजेशन बाय विच प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन टेक प्लेस बाय यूज ऑफ सॉलिड व्हीकल्स शुगर ऑफ़ मिल्क बाय ग्राइंडिंग इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया सॉलिड वहीकल्स को लेकर के इसमें ग्राइंडिंग करके ठीक है सुगर ऑफ़ मिल्क बाय ग्राइंडिंग इन डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसमें ग्राइंडेशन के द्वारा मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है वो ड्राई सब्सटें जो कि सॉल्यूबल नहीं होते हैं किसी भी चीज़ में इन सोल्यूबल सब्सटेंट्स होते हैं उनसे ये मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है ट्राइचुरेशन की प्रोसेस के द्वारा दिस इज द प्रोसेस यूज फॉर द प्रोटेटाइजेशन और ऑफ ड्रग सबसे आर इनसॉल्यूबल इन लिक्विड वेही हाइड्रोलाइसिस क्या हाइड्रोलाइसिस फ्रॉम अ ग्रीक हाइड्रो मीनिंग ए वाटर एंड द लाइसिस मीनिंग ए सेपरेशन यूजली मीनस द क्लीवेजिज ऑफ केमिकल बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ द वाटर। वे आर ए कार्बोहाइड्रेट इज ए ब्रोकन इं टू कंपोनेंट सुगर मॉल्यक्यूल बाय द हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज बींग ए ब्रोकन डाउन इं टू ग्लूकोज एंड द प्रकटोज दिस इज अ टर्म सेक्रिफिकेशन जनरली हाइड्रोलाइसिस और सेक्रिफिकेशन इज ए स्टेप इन द डिग्रेडेशन ऑफ द सब्सटेंस ठीक है हाइड्रोलिस किसे कहेंगे वॉटर हाइड्रोमीन से एनलाइसिस मीनसे सेपरेट करना सेपरेशन यूजअली मीन्स द क्लीवेजेस ऑफ कैमिकल बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर वेयर ए कार्बोहाइड्रेट इज ए ब्रोकन इंटू कम्पोनेंट सुगर मॉल्यूक्यूल्स बाय द हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज बींग ब्रोकन डाइन इन टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ठीक है इसमें ब्रोकन डाउन करके इसमें प्रिपेयर किया जाता है दिस टर्म एज ए सैक्रिफिकेशन कहेंगे इसे जनरली हाइड्रोलाइसिस और सेक्रिफिकेशन इज ए स्टेप इन द डिग्रेडेशन ऑफ द सब्सटेंस नेक्स्ट क्या है इसमें फ्रेंड्स एक्सिकेशन द एक्ट ऑफ ड्राइंग आउट इन केमेस्ट्री द डिप्राइवल ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डेसिकेशन एज ए सब्सटीट्यूट फॉर द एक्सक्रिएशन इट मीन्स ए रिमूविंग ए मॉइस्चर कंप्लीटली फ्राम द सब्सेंस फ्रॉम ए कीपिंग ए हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स विच एब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफियर ठीक है तो इसे अपन एक्सक्रिएशन yeah. कहेंगे या डेसिकेशन के द्वारा इसको किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन वहीकल्स फ्राम द लिलीमेंट इज लिलीमेंट बनाने के लिए कौन से वहीकल का उपयोग किया जाता है पैराफिन फार्मेसिटी ग्लिसरीन एंड द वेजिटेबल ऑयल सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी वेजिटेबल ऑयल लिलीमेंट क्या है लिलीमेंट आर एम्ब्रोकेशन और द एप्लीकेशन एंड ऑयली और स्परिचुअल कंसिस्टेंस दी सारे मिक्सचर और सोल्यूशन डिफरेंट मेडिसिन प्राइमरी मदर टींचर इन ऑयल एल्कोहलिक सोल्यूशन और सोप और इमलसन एंड ऑर ए सुटेबल फॉर ए रबिंग ए पेंटिंग ओवर द स्किन ठीक है ऑयली ऑयल या एल्कोहलिक सोल्यूशन या वेजिटेबल ऑयल से लेकर के इसमें प्रिपेयर किया जाता है एक तरह से एम्ब्रोकेशन है जो कि हमारे स्किन में रबिंग के थ्रू इसको प्रिपेयर लगाया जाता है ठीक है ऑयल एल्कोहलिक सॉल्यूशन और सोप और इमल्सन एंड आर सुटेबल फॉर द रबिंग और पेंटिंग ओवर द स्किन प्रिपरेशन क्या है वन पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड मेडिसिनल मेडिसिन इज ए मिक्स विद द फोर पार्ट ऑफ द ऑलि ऑयल और टिंचर ऑफ सोप लेकर के इसको प्रिपेयर किया जाता है वन पार्ट क्या रहता है

ये एक सेमी सॉलिड है जो कि हमारे बॉडी में ऑइंटमेंट की तरह इसको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्या है स्पर्मेसिटी इट इज ए वैक्सीड सब्सटेंस एंड फ्रॉम द हेड ऑफ स्पर्म वेल यूजेस क्या है इट इज ए वन ऑफ द सॉलिड फैटी सब्सटेंस इम्प्लायड टू गिव ए कंसिस्टेंसी टू क्रिएट्स एन ऑइंटमेंट एज इन द वेल नोन द वाटर ऑइंटमेंट ग्लीसरिंग क्या है इट इज ए क्लियर कलरलेस सिरप लिक्विड ऑर्डर taste sweet followed by sensation of ऑफ external uses it is an antiseptic emollient and the द ठीक है सब्सटेंस विच इज ए सॉफ्टन और रिलैक्स द स्किन अपॉन विच दे आर एप्लाइड ग्लिसरीन का क्या और यूजेज है इट इज़ ए यूज इन द ईयर डिस्चार्जेस एज इट इज एब्सॉर्व द पर्स इजली ठीक है ग्लिसरीन का क्या क्या यूजेस हो गया एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है हमारे स्किन में साथ ही साथ ये ईयर डिस्चार्ज में भी हेल्प करती है उसको एब्जॉर्ब करती है पस को इट इज़ ए यूज एन एप्लीकेशन एंड अल्सर ऑफ द टंग एंड माउथ में भी पन ग्लिसरीन को अप्लाई करते हैं ठीक है, है स्किन को सॉफ्ट बनाती है ये पस को एब्जॉर्ब करती है एंटी anti, एंटीसेप्टिक का भी ये काम करती है नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल ऑयल क्या है वेरी कॉमनली यूज वेजिटेबल ऑयल्स इंक्लूड ऑलिव ऑयल आलमंड ऑयल ठीक है यूज़ इंस्टेंट ऑफ ऑलिव ऑयल इन द प्रिपरेशन ऑफ लिलीमेंट तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वेजिटेबल ऑयल एंड लिलीमेंट बनाने के लिए ऑलिव ऑयल के अलावा और आप या, या यूज़ कर सकते हैं तो आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं ठीक है अभी ये सी सी में पूछा गया था ये क्वेश्चन चलिए वहीकल के बारे में जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है होम्योपैथी में वहीकल क्या है वहीकल मीन्स ए ट्रांसमिशन ऑफ कन्वीनियंस ठीक है व्हीकल्स आर दो सब्सटेंस विच आर ऑलमोस्ट केमिकली नेचुरल ना इधर एसिडिक और नॉर एल्कलिन थेरापेटिकली इन नट हैविंग ए नो मेडिसनल प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑन और इफ़ देयर इज एनी दैट इज़ ए निगलीजिएबल बट दे आर इंडेड टू कैरी द डायनेमिक पावर ऑफ ए ड्रग सेफली टू द इंटीरियर ऑफ द ह्यूमन ऑर्गनिज्म टू फाइट द डिसीज फोर्सेज वहीकल्स यूजेस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से वहीकल यूज किए जाते हैं लिक्विड में हैं प्यरीफाइड वाटर ग्लिसरीन आलमंड ऑयल ऑलिव ऑयल सीजम ऑयल सेमी सॉलिड वहीकल है वैसलिन सॉफ्ट पैराफिन येलो सॉफ्ट पैराफिन वाइट सॉफ्ट पैराफिन ठीक है वैक्सेस में है बी वैक्सेस, येलो बी वैक्सेस, वाइट बी वैक्सेस, स्पर्मिटी एंड द लेनोन लेनोनिन प्रिपेर लाड आइसिंग ग्लास सोप सोप में भी है सॉफ्ट सोप हार्ड सोप एंड कर सोप ठीक है इसमें भी तीन हैं इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा चलिए अब साथ ही साथ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं चलिए साथ ही साथ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली लोगेनीसी एक्सेप्ट ठीक है इनमें से सभी लोग लोगेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है एक्सेप्ट कौन सी मेडिसिन है जो कि लोगेनीसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है तो कौन कौन सी मेडिसिन दी गई इसमें नक्स नक्समोमिका इग्निशिया रोडेडेंटॉन एंड द जेलसीमियम तो वो मेडिसिन है रोडिडेंटॉन एरिए फैमिली से बिलोंग करती है बाकी सभी लोगिनीसिया फैमिली से बिलोंग करती है तो कॉमन नेम फैमिली पार्ट यूज ये सभी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा तो चलिए देख लेते हैं सभी मेडिसिन के कॉमन नेम भी साथ में देख लेते हैं नक्सोमिका कामन नेम क्या है पॉइजन नट लोगिनीस फैमिली इग्निशिया का कॉमन नेम है सेंट इग्निटस बीन लोगिनीसिया फैमिली टोडोडेंटोन का है स्नो रोज इरिएस फैमिली जैसीमियम का है येलो जैसमीन लोगिनी फैमिली ठीक है तो ये तीनों हो गए लोगिनीसी फैमिली से एंड द रोटेड एंड है इीएसी फैमिली से तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहे होंगे और आप सभी के कॉमन नेम फैमिली पार्ट यूज़ ये सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा साथ ही साथ व्हीकल चैप्टर को भी अच्छे से रीड कीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में जरूर पूछे जाते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए टेक केयर थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक